is it? Do you want to be a pilot? Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. Itna zyada acha lag raha hai na aaj gym jaane ke baad. मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया था मैं जिम नहीं गया था, आज आया हूँ वापस एंड इतना बेटर लग रहा है मेरे को. वो होता है ना यार, लाइफ में से कुछ मिस हो रहा है ऐसा लग रहा था इतने दिनों से. बट फॉर द राइट रीजंस मैंने जिम मिस किया था, बिकॉज सबसे पहले मेरी तबीयत खराब थी, देन उसके बाद आंचल की तबीयत खराब थी, आई थिंक अभी भी थोड़ी बहुत खराब है, एंड तीर्थ की तबीयत खराब हो गई, और कल रात को 2-2 की तबीयत भी खराब हो गई है. तो मतलब वो होता है ना, एक बीमार पड़ता है तो उसके बाद लाइन से सारे लोग बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज है. तो उस वजह से सभी लोग बीमार हो गए हैं घर में. शुरुआत मैंने की, गलती मेरी है बट कुछ कर नहीं सकते, मैं पहले बीमार हुआ और मैंने सबको बीमारी पास ऑन कर दी. बट ठीक है यार, जो है सो है, कुछ कर नहीं सकते. रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, सो दैट्स अ गुड थिंग. मैं कंप्लीटली रिकवर हो गया हूँ, इसीलिए मैंने आज जिम आने का सोचा. वैसे मुझे जल्दी जल्दी बताओ आप लोगों को जो शॉर्ट्स मैं डाल रहा हूँ वो कैसे लग रहे हैं. मेरा जो पुशअप चैलेंज है वो बहुत अच्छा जा रहा है. अरे ग्रीन सिग्नल, ओके. मेरा जो पुशअप चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, मतलब आई एम रियली हैप्पी विद द वे हाउ प्रोग्रेस इज. शॉर्ट्स जो बन रहे हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं अभी भी, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए. खैर मैंने ये यूट्यूब के लिए नहीं किया था, एनीवेज मैंने करना ही था क्योंकि मैं, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा जिम और फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रीक हूँ, तो मैंने तो करना ही था इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी रिस्पॉन्स आए. बट हाँ, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर वीडियोस देख के, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिए, एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए. आपके लाइक और कमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली दूसरे लोगों को भी ये रील्स थ्रो करेगा. सो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आज अभी फिर टूटू स्कूल जाने नहीं वाली है जैसे मैंने बताया, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है तो वो स्कूल नहीं जाएगी. तो आज रिलैक्स्ड मॉर्निंग होने वाली है हमारी, विच इज़ अ गुड थिंग. जाके देखेंगे, तीर्थ की तबीयत भी कल रात को थोड़ी खराब थी, दवाई वगैरह दी थी, देखते हैं घर जाके कि कैसा हाल है सबका. मैं बता रहा था आपको, जाके घर जाके चेक करेंगे बच्चों का क्या हाल है. ऑलरेडी उठ गए हैं बच्चे लोग और शैतानी कर रहे हैं. मजे की बात बताऊं, ये यहाँ पर है और देखो मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ अपने, तो मैं अभी अंदर जाऊंगा और मिलता हूँ इन लोगों से. देखो अपने घर के बाहर ही पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पता नहीं क्यों खड़ी है, कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, ऐसे ही पार्क करके चले गए पुलिस वाले. आई प्रॉमिस मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ सारे लीगली करता हूँ. ओ आ गए बच्चा पार्टी, एक इधर एक उधर, वो देखो उड़ गए दोनों बच्चे भाई. क्योंकि एनीवेज आज जैसे मैंने बताया कि मैं लेट आया हूँ घर, क्योंकि टाइम था अपने पास. देखो टाइम हुआ है 8:47, ऑलमोस्ट 8:45 घर आया हूँ, तो ऑफकोर्स दोनों उठे ही होंगे. आर यू, हाउ आर यू फीलिंग? थ्रोट पेन. कोई नहीं, आज आराम करो, स्कूल से छुट्टी लो. That makes you happy, isn't it? और आज ना मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जब मैं वर्कआउट कर रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जब भी आप अपना प्रोटीन शेक लेते हो, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते नहीं, और मैं वे आइसोलेट लेता हूँ तो उसमें तो बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं होता है और बिल्कुल भी कोई फाइबर नहीं होता है. तो हमेशा अपना प्रोटीन स्कूप लेते हो आप, एक ड्रिंक लेते हो, ट्राई करो उसको या तो एक कार्ब सोर्स के साथ लो या तो एक फाइबर सोर्स के साथ लो. तो आज जो है मैं प्रोटीन लेने वाला हूँ इसके साथ, कैरेट्स. कैरेट्स खाएंगे सुबह सुबह, कैरेट्स खाते खाते प्रोटीन पियेंगे ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन हो. देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है. अभी देखना, हम लोग ये देख रहे हैं. ओपन, ये देखते देखते ना बड़ा खुश होता है, बोलता है ओपन. देखिए ओपन नहीं बोल रहा है अभी, ही इज वेरी मच एंग्रोस्ड इन वॉचिंग इट, क्या निकला उसमें से. अरे 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 डांस देखो. ओहो, मुझे ना टूटू के दिन याद आ गए, टूटू भी ये देखती थी ना. टूटू आप भी देखते थे ये जब आप छोटे थे, ओपन ओपन सरप्राइज. I know, ये देखो कितने सारे बर्ड्स हैं. करेक्ट. सो ये जो माइग्रेट हो रहे हैं, ये सब बर्ड के माइग्रेशन का टाइम है, इसका इशारा ये है कि स्प्रिंग आ रहा है. सो हैप्पी स्प्रिंग इज कमिंग.
वो देखो कितने सारे ये सब बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेटिंग मींस गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। Ah, that's why he was sitting quietly here and looking outside at the birds, no? And it was so cute. I saw it, so I wanted to join it. Oh, nice. Tiki, bird, kitne bird? Oh, bird. गंदा सीन हो गया। अभी मैं वर्कआउट कर रहा था और वर्कआउट के टाइम पे मैंने ना मेरे को बेंच मूव करना था। सबसे पहले तो पता नहीं बेंच का क्या इशू है, ये जो थी जिस बेंच पे मैं वर्कआउट कर रहा था, तब मैंने बेंच पे पैर रखा क्योंकि मेरे को बैक मारना था, तो मैं सिंगल आर्म डंबल रोइंग कर रहा था। वो करते वक्त जैसे मैंने पैर रखा सेट करने के लिए अपना स्टैंड, वो बेंच का जो लॉक रहता है वो लॉक पता नहीं शायद लॉक्ड नहीं था बराबर से, वो धड़ाम से बेंच नीचे गिरी। तो मेरा जो पैर था मेरा भी बैलेंस काफ़ी लूज हो गया। एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है यार, मैंने बेंच को सही किया, उसको लॉक किया बराबर से, एंड आई वाज लाइक अब सही होना चाहिए, अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर मैंने अपना एक तरफ का वर्कआउट किया। जब मैं बेंच को थोड़ा मूव कर रहा था क्योंकि दो बेंच काफ़ी जॉइंट साथ में थी, मेरा हाथ था ऐसे बेंच के नीचे और मैं उसको खींच रहा था ऐसे। अब जब मैं खींच रहा था उसको, पता नहीं क्या हुआ, वो जो लॉक था वो अचानक से निकल गया और बेंच जो थी वो सीधा गिरा नीचे और मेरा उंगली आ गया उसके बीच में। एंड ये इतना ज़्यादा लगा है, ये देखो इतना ज़्यादा लगा है। अभी ये खून कब से निकल रहा था अब जाके बंद हुआ है। मैं यहाँ पे ठंडे पानी में हाथ डाल रहा हूँ ताकि स्वेलिंग जो है वो थोड़ी कम हो। बहुत दर्द हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में था मैं कि यार मेरा वर्कआउट होगा अच्छा खासा आज, क्योंकि आज बैक मार रहा था मैं और डेडलिफ्ट करना था, प्री वर्कआउट लिया था, बट मेरे को लगता नहीं है अभी कोई वर्कआउट हो पाएगा। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मेरे को घर जाना पड़ेगा, बट दिस इज़ वेरी पेनफुल, बहुत दर्द हो रहा है, दो उंगलियां चले गई, इससे टाइप भी करना पड़ेगा अभी, वो कैसे करेंगे पता नहीं, काम कैसे होएगा ऑफिस का आज, आई डोंट नो, बट बहुत बहुत गंदा लगा है यार। कभी कभी लगता है पता नहीं कैसा बेंच है यार, क्या हो गया। खैर एनीवेज मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक जो लेडी है यहाँ पे जिससे मैं सिर्फ हाय हेलो करता हूँ, हाय गुड मॉर्निंग करता हूँ, बस उतनी ही बात होती है हम लोगों की जिम में। वो लेडी बेचारी अपना वर्कआउट छोड़ के गाड़ी तक गई है मेरे लिए बैंडेड लाने के लिए। तो ये एक और ये एक, दो बैंडेड ला के दिया है उसने, तो ये दो बैंडेड लगाऊंगा मैं अभी उंगलियों पे, फिर देखता हूँ अगर मैं वेट उठा पाऊंगा तो करूँगा वर्कआउट, नहीं उठा पाऊँगा तो फिर घर चले जाएंगे या मैं वॉक कर लूँगा 10,000 स्टेप्स कर लूँगा एटलीस्ट, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट वो होता है ना नया नया जब चोट लगता है सारा खून एक ही तरफ दौड़ रहा होता है तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है वो जो जो वाउंडेड एरिया है, तो मेरी दोनों उंगलियाँ जो है इतनी ज़्यादा गर्म है इस वक्त, बहुत ज़्यादा एकदम हीट 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 लग रहा है उंगलियों में। देखो आई थिंक आपको अभी समझ आ रहा होगा तो स्वेलिंग पूरी लाल हो गई है उंगली, ये कंपेयर करो ये थर्ड और फोर्थ उंगली और ये फर्स्ट टू उंगली में बहुत ज़्यादा लाल हो गई है, पूरा स्किन यहाँ से निकल गया, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट है ये फर्स्ट उंगली में, यहाँ से कट है, बहुत जोर से लगा है। दोनों बैंडेड तो लगा दिया है उंगलियों में लेकिन इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना इस वक्त, मैं कैसे समझाऊँ आई डोंट नो, आप लोग फील कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता यार। इमेजिन करो कुछ अचानक से, एक तो मैं हेडफोन में अपने जोन में था, अपने स्पेस में था, राइट, जब जिम में रहता हूँ तो मैं अपने जोन में रहता हूँ, मैं कुछ सुन रहा हूँ और अचानक से जब आप कुछ लगे तो कितना ज़्यादा दर्द होता है, इट्स वेरी बैड। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, आई डोंट थिंक आई वर्कआउट हो पाएगा मोस्टली, शायद अब से ट्रेडमिल करके घर जाएंगे। अब देखो ये होता है जिम का बेंच जिसमें अलग अलग स्लॉट्स होते हैं जिसमें फंसता है पिन। अब हुआ क्या ना, जब ये मैं बेंच एडजस्ट कर रहा था तो अचानक से वो पिन ऑटोमेटिकली निकल गया और बेंच नीचे गिर गई और मेरा हाथ जो था जो उंगलियां थी वो इसके बीच में आ गई, तो इसीलिए बहुत जोर से लगा मेरे को। एक घंटा ट्रेडमिल किया, ऑलमोस्ट 400 कैलोरी बर्न की, क्योंकि मेरे से ऐसा हो नहीं रहा था कि यार वर्कआउट नहीं करूँ मैं। मैंने इनफैक्ट बैंडेड लगाने के बाद वेट लिफ्ट करने का भी ट्राई किया लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था, ये उंगली बिल्कुल मुड़ भी नहीं रही है। आई थिंक आप समझ पाओगे अगर अचानक से ऐसा लगता है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुकी है उंगली, तो उस वजह से यू नो मैं नहीं कर पाया वर्कआउट। सबसे ज़्यादा इरिटेट पता है क्या हो रहा है,
कि मैं अभी वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, मुझे वो ज्यादा इरिटेट हो रहा है रादर देन कि वो लगा है और पेन है, मुझे टेंशन आ रहा है कि मेरा पुशअप्स चैलेंज कैसे चलेगा क्योंकि मेरे को पुशअप करने के लिए ऑफकोर्स मेरे को इस हाथ की जरूरत लगेगी क्योंकि सारा वजन जो है वो हाथों पे पाम पे उंगलियों पे आता है जब आप पुशअप करते हो। तो मैं वही सोच रहा हूँ कैसे करूँगा मैं, आई डोंट नो, आई एम होपिंग कि यू नो कल तक थोड़ा सा ये कम हो जाए पेन एंड मैं कर सकूँ कल वर्कआउट। नहीं कर पाया तो ऐसे दिनों के लिए जो मेरा वन एक्स्ट्रा पुशअप करता था मैं वो काम आएगा, क्योंकि अगर समझो मैं 2 या 3 दिन रेस्ट लेता हूँ और मैंने वन पुशअप एवरी टाइम एक्स्ट्रा किया था हर दिन पर, तो वो इट गिव्स मी बैंडविड्थ, इट गिव्स मी दैट बफर कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अपना वर्कआउट बंद करना, अपना पुशअप बंद करना। सो नॉट द आइडियल थिंग, दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग मोर देन एनीथिंग एल्स यार। सो नॉट हैप्पी, नॉट अ ग्रेट स्टार्ट। I wish things would have been different. अभी देखो, I know ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको उस उंगली पे लगा हुआ है तो आपको उसको बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना चाहिए, आपको उस उंगली से काम करना चाहिए, बट बिलीव मी आई डोंट नो आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, इसको टच करने पे भी ना ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुका है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मेरी ये उंगलियों को यूज़ करने की, इसको मैं अगर आइसोलेट छोड़ दूंगा तो ये और ज़्यादा स्वेल्ड अप लगने लगेगा, बट नहीं हो पा रहा, मैंने काफ़ी ट्राई किया। तो मैं बस ये पीछे की 2 उंगलियों से और थंब से काम कर रहा हूँ जहाँ तक हो सके वहाँ तक। और दूसरा ये कि मैंने ये भी नोट किया कि अगर मैं ज़्यादा ठंडी में जा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं अभी बाहर जाऊँगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं घर पर बैठा हुआ हूँ, रूम टेम्परेचर पर बैठा हुआ हूँ, तो इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है। तो आंचल ने ऑफर किया था मेरे को कि वो जाके छोड़ आएगी टूटू को, लेकिन उसकी खुद की तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, उसको भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो अभी तक कम्प्लीटली रिकवर नहीं किया है उसने, तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा ग्लव्स पहन के चला जाऊँ मतलब, बट आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगा, लेट्स सी। आज पता है आंचल, मैं इतना अच्छे से रेडी हुआ था, मस्त अच्छी नई टी शर्ट डाला था, मैंने सोचा कि आज बैक वर्कआउट बहुत अच्छा वर्कआउट करूंगा मैं वार्म अप कर रहा था, पता है वार्म अप करने में ये हो गया। सबसे पहले गया मैंने मेरा पुशअप चैलेंज खत्म किया, उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह किया एंड देन वार्म अप करने के लिए पहला सेट शुरू कर रहा था, ऐसे वो एक सिंगल आर्म जो रोइंग डंबल होता है ना वो बेंच पे हाथ रख के एक साइड का मैंने किया वार्म अप, दूसरी साइड का करने जा रहा था ना तो वो बेंच बहुत ज्यादा क्लोज थी किसी और बेंच की, तो मैं वो मूव करने गया और तब मेरी उंगली आ गई, तो मेरा एक बैक ज्यादा अच्छा डेवलप होगा आज as compared to दूसरे बैग से, ठीक है क्या कर सकते हैं। If I were you, I would be still crying. अरे I am also crying from inside, you don't know. इतना ज़्यादा दर्द है इसमें, बट ठीक है क्या करें, अभी रो नहीं रहा हूँ, आंसू दिख नहीं रहे हैं मेरे, बट पेन उतना ही ज्यादा है।